दोस्तों, कल आपने लापिनो पिज्जा की एक वीडियो देखी थी जिसमें कि चींटियां का दावा की जा रही थी महिला के द्वारा और काफी ज्यादा हंगामा हुआ था। आज जो है लापिनो पिज्जो के जो है हरियाणा पंजाब की फ्रेंचाइजी हेड है और यहाँ के जो ओनर थे वो रात को कल यहाँ पर मौजूद नहीं थे। आज यहाँ पर वो ओनर हैं, पूरे यहाँ पर उनके डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये अपना पक्ष रखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कल का क्या माहौल था और कल क्या हुआ यहाँ पर। पूरी घटना आपको सुनवाएंगे तो जानेंगे यहाँ से मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे। कल जो यहाँ पर घटना होती है उसमें अब आपका तरफ से पक्ष रखा जा रहा है, क्या कुछ सच्चाई थी, क्या कहना चाहेंगे आप उसमें? सर, एक्चुअली कल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जो ओनर है मिस्टर विजय वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, ही वॉज आउट ऑफ टाउन फॉर सम वर्क। और सर उनके जाते ही पीछे से एकदम से ये सब हुआ और हमें टाइम ही नहीं मिला कि हम उनसे बात करें या हम लोग इन्वेस्टिगेट करवाएं, किचन चेक करें कि ये हुआ कैसे। सर, सर्दियों का मौसम है और चींटियाँ ऑफकोर्स अभी इस टाइम तो मीठे पे भी नहीं आती हैं बिकॉज ऑफ द वेदर, और उसके बावजूद सर ये चीज़ होनी विद अस, हमें लगता है कि ये कोई साजिश है या किसी ने जान के ये चीज़ करी है। और एकदम से ही मीडिया, पुलिस कंप्लेंट एंड एवरीथिंग, हमको टाइम ही नहीं दिया गया, हमारी साइड सुनी ही नहीं गई, जिससे सर हमें लॉस भी हुआ है। हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो हमारे परमानेंट कस्टमर्स हैं, उनकी फॉर सपोर्ट हमें कॉल आई है बिकॉज उन्हें पता है कि हमारी बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट सर्विस इन टाउन है। सर, आप हमारी किचन आके हमारे हाइजीन लेवल्स भी चेक कर सकते हैं जो कि वीकली बेसिस पे ऑडिट्स पे चेक होते हैं। हमारा जो पेस्ट कंट्रोल है वो एवरी 30 डेज करवाया जाता है हर आउटलेट के ऊपर, सो दैट हमारा जो पिज्ज़ा है वो प्रॉपर फ्रेश एंड नाइस डिलीवर हो। मैं आपकी बात से समझ रहा हूँ कि सर्दियों में शायद चींटियाँ नहीं होती, पर जो महिला ने कल चींटियाँ दिखाई हैं उसके अंदर चींटियाँ थी, तो वो क्या चीज़ था, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? या आपके अंदर पुराना डिप पड़ा हुआ था या क्या था? सर, पुराने डिप का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि अभी इस स्टोर को 2 मंथ्स भी कम्प्लीट नहीं हुए हैं। कल इसकी ग्रैंड ओपनिंग थी ऑन संडे जिसके कार्ड्स भी प्रिंट हो चुके थे। सर, कल हमारी ग्रैंड ओपनिंग थी जो कि जिसके कार्ड्स भी जो हैं हमारे छप चुके थे, जो कि अब इस वजह से हमको पोस्टपोन करनी पड़ रही है, विच इज़ अनदर लॉस फॉर अस, ठीक है। और सर, हमारी जो डिप्स हैं वो हर गार्लिक स्टिक के साथ जाती हैं, मोस्टली एवरी साइड ऑर्डर के साथ जाती हैं और कस्टमर स्पेशल डिमांड भी करते हैं विद द पिज्ज़ा। सो सर, सिर्फ उसी एक गार्लिक डिप में ऊपर चींटियां थी, बाकी उनका और ऑर्डर के साथ भी डिप्स गई हैं, चीज़ डिप गई है, सॉरी, जो चीज़ डिप गई है उसमें ये नहीं थी, सिर्फ एक ही में थी और बाकी हमें किसी भी कस्टमर से चीज डिप में चींटियों की कंप्लेन नहीं आई। सो दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग, बट फिर भी हमने हमारा फॉल्ट ना होते हुए भी जो कस्टमर है उनसे अपोलोजाइज किया है एज अ जेस्चर, जस्ट टू सो दैट बिकॉज कस्टमर इज वेरी प्रीशियस फॉर अस, वी ऑफर्ड हर एन अपोलोजी एंड अ रिफंड, बट उन्होंने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी एंड शी वॉन्टेड टू मेक इट डर्टी। तो सर, उससे हमें फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है और स्टाफ को हमारे जो है वो मेंटली भी वो लोग, उनका जो है वो कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा है, ठीक है। तो ये मैम, ये बुके किस लिए लेकर आए, क्या इस बुके का राज? देखोगे इस बुके पे ना अपोलोजीज लिखा हुआ है, दिस वॉज फॉर द कस्टमर, जो कि हमने उनसे पर्सनली अपोलोजी करा था कि उनको ये फेस करना पड़ा, हमारी गलती ना होते हुए भी हमने किया बिकॉज कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, ऑल कस्टमर्स वी ट्रीट देम एज अ फैमिली। तो इट वॉज, बट उन्होंने ये भी एक्सेप्ट लाइक नहीं हमसे लिया और शी वॉन्ट, लेके गए थे? यस, हम लेके गए थे सर पुलिस स्टेशन में। अच्छा, पुलिस स्टेशन में आप पहुंचे? हाँ जी सर, आज हम गए, उन्होंने बुलाया, वहाँ बात हुई एंड देन सर, बट उनकी डिमांड कुछ और ही थी, बट हमारा फॉल्ट नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू फुलफिल द। आपको, आप अपनी तरफ से क्या जजमेंट लग रहा है आपको, क्या आप अपने आप को बेकसूर मानते हैं, लेकिन जो थाने में घटना हुई है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर, ये एक साजिश है बिकॉज उनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि वो चींटियां हमारे यहाँ से पैक्ड फूड में गई हैं। हमारा जो फूड था प्रॉपरली फ्रेश पैक गया था, वो जोमेटो के थ्रू डिलीवरी हुई थी, घर पे डिलीवर हुआ, उसके बाद वो यहाँ लेके आए, उन्होंने ओपन किया, एक चीज डिप में आंट्स थी, दूसरे डिप में नहीं थी, गार्लिक ब्रेड में कुछ नहीं था, किसी और ऑर्डर की कोई कंप्लेन नहीं है। वी हैड हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स यस्टरडे, विद गॉड्स ग्रेस वी आर बिजी पीपल ऑफ यमुना नगर, कस्टमर्स आर लविंग अस एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो हमें ऐसा लग रहा है कि ये इंटेंशनली किया गया है और हमारी अपोलोजीज भी नहीं ली जा रही हैं, हमने रिफंड भी ऑफर किया, नहीं लिया जा रहा है, तो उनकी इंटेंशन ही हमारा नाम जो है ब्रांड का वो नीचे लाने की थी, लेकिन हमारी क्वालिटी और सर्विस इतनी बेस्ट है कि हम लोग
ऐसा होने नहीं देंगे। तो आप कभी नहीं आते, लेकिन कल का जो हादसा हुआ है, हादसा ही कहेंगे एक तरीके का, जो घटना हुई है, चाहे जाने से हुई है चाहे अनजाने से हुई है, उसके चलते आप यहाँ पर पहुंचे हैं? यस सर, बिल्कुल। जैसे ही हमें पता लगा, आई केम फ्रॉम लाइक ऑल द वे फ्रॉम करनाल, और इसीलिए एंड वी आर देयर विद द ओनर मिस्टर विजय, बिकॉज दिस स्टोर द कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, बट अनफॉर्चुनेटली कस्टमर इज नॉट रेडी टू लिसन कि जो भी है, क्योंकि ये इंटेंशनली ही हमें लग रहा है कि हुआ है। सिंस मॉर्निंग वी आर ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट कि कीड़ियाँ आई कहाँ से। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज विजिट आवर किचन एज वेल, इतनी हाइजीनिक है, वेल मेंटेन्ड है, रेगुलर क्लीनअप्स होते हैं, रेगुलर पेस्ट कंट्रोल होता है। ऐसा हमको समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो कैसे गया, वी आर खुद शॉक्ड, एंड दिस हैपेंड इन द एब्सेंस ऑफ द ओनर, ओनली विद द स्टाफ। स्टाफ को क्वेश्चन किया गया, वो एकदम से मीडिया देख के घबरा गए, उनको पता ही, हाँ जी, उनको पता ही नहीं लगा कि ये हो क्या गया एकदम से। तो शी जस्ट केम एंड क्रिएटेड अ सीन एंड इट बिकेम वायरल एंड यू नो एवरीथिंग वाज डन एट वंस। तो अभी आप क्या अपील करना चाहेंगे तमाम लोगों से जिन्होंने उस वीडियो को भी देखा, और यमुनानगर के पूरे क्षेत्र वासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, हम बस यही करना चाहेंगे कि प्लीज ट्रस्ट आवर ब्रांड, एंड यू आर एनी टाइम वेलकम टू हैव अ टूर ऑफ आवर किचन, बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट इनफ कि हमारी किचन इज वेल मेंटेन्ड, प्रॉपर हाइजीन लेवल्स फॉलो होते हैं, मास्क लगता है, बफरिंग कैप के बिना हम लोग एंटर नहीं करते हैं किचन में, और ये जो भी है प्लीज डू नॉट लाइक बिलीव इन ऑल दीज फेक न्यूज। आप जो वो उन्होंने डिप दिखाया था, क्या उसको आप उसके आधार पे आप कंप्लेंट करना चाहेंगे कि उसमें षड्यंत्र थी, कोई फोरेंसिक लेबोरेटरी में इस तरीके को टेस्ट हुआ था कि वो डिप यहाँ का था कहाँ था, हो सकता है कुछ उसमें षड्यंत्र भी हो सकता है? बिल्कुल सर, वी आर रेडी टू गेट इन्वेस्टिगेटेड। हम लोगों ने पुलिस को भी रिक्वेस्ट किया है कि आप, कंप्लेंट हो गया उसका आज, हाँ जी आज इसका कंप्लेंट हो गया है, और ये टोटली प्री प्लान्ड है सारा कुछ। उनको पता था कि ऑलरेडी पहले कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हूँ, मेरे एब्सेंस में विद इन वन आवर वो, आप कौन है? मैं ओनर हूँ यहाँ पे, फ्रेंचाइजी ओनर, मैं कल नहीं था यहाँ पे। तो आपको जैसे पता लगा तो क्या? मैं चंडीगढ़ था मीटिंग में, मेरे को मीटिंग बीच में छोड़ के यहाँ के लिए रश करना पड़ा यमुनानगर के लिए। विद इन हाफ एन आवर वो लेडी यहाँ पे आते हैं, इवन उन्होंने मेरे से कॉन्टेक्ट भी नहीं किया। यहाँ पे आते सर वो मीडिया लेके आते हैं और पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट रेज करते हैं, और विदाउट माय इंफॉर्मेशन। मेरे को मीडिया लेके नहीं आते भैया, हमें तो कॉल आया था, हम तो खुद आए हैं, कोई लेके नहीं हमें आया ना। ठीक है, तो हम भी यही बोल रहे हैं और पब्लिक से भी यही अपील है, प्लीज आप हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है, हमने भी कंप्लेंट रेज कर दिया है, उसका प्लीज आप वेट करिए कि पुलिस की तरफ से क्या कॉल आता है, फिर उसके बाद हम जो भी होगा जस्टिफिकेशन देने के लिए हम रेडी हैं। जी, तो तमाम तस्वीरें आपने देखी कि इस पीछे क्या सच्चाई है। हालांकि इस चीज के लिए हमने मैम से भी कहा है कि इसकी लैब टेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि अचानक कल जैसे ही हुआ उस महिला ने हमें दिखाया और हमने भी तुरंत उस खबर को दिखाया, उसके बाद जो है आगे मैनेजर से पूछा गया। लेकिन आज लापिनो पिज्जा का यह दावा था कि आपने हमारा पक्ष नहीं सुना, पक्ष सुनने के बाद आज हम ये चाहते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर किया जाए। मैम, लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ था, किसका फॉल्ट लग रहा है आपको? सर, हमें हम मीडिया का फॉल्ट है, उनका फॉल्ट है, आपका फॉल्ट है, मेरा फॉल्ट है, किसका फॉल्ट सर? देखो, हमें ये था कि हमारी एब्सेंस थी, हम यहाँ थे ही नहीं कल। हम अगर आप कल यहाँ होते, हमने कल ही आपको किचन में ले जाना था, और आप खुद देखते कि वहाँ उस जगह पे कभी कीड़ियाँ आ ही नहीं सकती, इतनी सफाई है। सर, हमारा फॉल्ट ना होते हुए भी हमने अपोलॉजी करी है, बिकॉज कस्टमर इज ऑलवेज राइट फॉर अस। बट सर, उस चीज़ का अगर फ़ायदा गलत वे से उठाना चाहें तो सर, दिस विल अफेक्ट आवर ब्रांड, एंड इट हैज़ ऑलरेडी डन सो। बट वी हैव सच अ गुड क्वालिटी, वी नो दैट हमारा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, एंड आर कस्टमर्स आर विद अस। आप तो गुलदस्ता तक लेकर आए हैं उनके लिए भी, चलो माफी मांगते हैं किसी तरीके, नहीं माने? नहीं माने सर, उन्होंने हमने बोला हम माफी मांगते हैं, इनफैक्ट सब नई गलती होने के बावजूद हमने उनसे एक जेस्चर, जस्ट एज अ डिसेंट गेस्ट जेस्चर, हमने उनको बुके भी ऑफर किया, उसके ऊपर अपॉलोजीज लिख के, बट शी डिडंट इवन लुक दैट इट एंड शी कम्प्लीटली रिफ्यूज्ड। सो आई थिंक मे आई डोंट नो व्हाट्स हर इंटेंशन, व्हाट डज शी वॉन्ट, वी डोंट नो, बट वी वॉन्ट टू गिव दिस मैसेज टू द इंटायर सिटी दैट प्लीज डू नॉट बिलीव इन ऑल दिस फेक न्यूज, वी आर देयर फॉर यू एंड वी प्रोवाइड यू द बेस्ट सर्विस इन टर्म्स ऑफ फूड। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये हमारे साथ थे यहाँ के हरियाणा पंजाब से जो इनके फ्रेंचाइजी हेड है, वो थे साथ में यहाँ के जो मेन है वो यहाँ पर पहुंचे। कल की जो घटना थी उसमें क्योंकि सारी चीजें समझकर सामने आई नहीं थी, उसमें ये था कि एकदम से जो चीटियाँ जो पहले दिखाई गई, उसके बाद यहाँ पर पूछताछ की गई, पुलिस कंप्लेंट हुई, सब कुछ हुआ। अब इसके पीछे क्या सच्चाई है, चीटियाँ आखिर आई तो आई, कहाँ से आई, किसी ने डाली थी, गिरी थी, या हमारे से पत्रकारों ने उसमें डाली, तो ये तो एक सोचने वाली बात है। लेकिन इसके पीछे क्या सच्चाई है, ये तो आप लोग
या तो कमेंट्स करके बताएं या पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। चल 71 के लिए यमुनानगर से सरनजीत सिंह।